हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आ गया हूँ चंडीगढ़ ब्रिज पार्क, तो जो कि सुखना लेक के और रॉक गार्डन के बीच में पड़ता है, सेक्टर एक चंडीगढ़ में। तो मैं अभी पार्किंग में खड़ा हूँ, अभी चलते हैं टिकट लेते हैं और उसके बाद आके चलते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैं अभी देखो भाई पार्किंग में खड़ा था, पार्किंग से निकला ही हूँ, बस मैंने बाइक खड़ी कर दी अपनी। और यहाँ मुझे बहुत सारे, वैसे तो बोर्ड में बहुत कुछ लिखा था, और ये रहा भाई देखो सामने टिकट काउंटर जहाँ की 50 रुपये की टिकट है एक बंदे की, ठीक है। और ये 50 रुपये टिकट यहाँ से लेके और अंदर एंट्री। अब हम चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। तो इस बार भाई दिक्कत आ गई, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट की कोई वो नहीं है रखने की सुविधा, हेलमेट की होती तो मैं रख ले भाई। देखो अकेले अपना अंदर जा रहा। आज मतलब मैं 2-3 जगह घूम गया हूँ, मुझे भी नहीं पता इस पार्क के अंदर कुछ है या नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम इस पार्क के अंदर जा रहा हूँ आज। मैं आया बहुत बार हूँ, पर जब भी आता तो मेरी किस्मत ख़राब मिलती थी, क्योंकि ये बंद ही रहता था हमेशा। तो आज मैं पहली बार इस पार्क के अंदर जा रहा हूँ, अब मुझे भी नहीं पता इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। तो ये देखो भाई, ये रहा इसका गेट, मेन गेट, जो कि हमने अंदर कर ली एंट्री, ठीक है। अब इसमें लिखा है चंडीगढ़ ब्रिज पार्क और नगर विश्व। तो भाई दोस्तों, मैं आ गया हूँ आज चंडीगढ़ ब्रिज पार्क में। मैं इस पार्क में पहली बार आ रहा हूँ भाई, सच बताऊँ तो, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं इसके बारे में पता। अब जैसे जैसा होएगा, जो जो होएगा तो मैं देखूँगा। पर यहाँ एक बड़ी दिक्कत आ गई मेरे को, कि मेरे हाथ में हेलमेट है, हेलमेट रखने की कोई जगह नहीं है। ये देखो, ये छोटे छोटे बोर्ड लगा रखे हैं, ठीक है भाई। और ये देखो, ये रास्ता बड़ा प्यारा सा रास्ता बना रखा है यार, और मैं अभी बेचारा चल दिया प्यार प्यार में। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है मुझे। अभी तो फ़िलहाल मैंने शुरू किया है, और मैं फ़र्स्ट टाइम सच बताऊँ तो इस पार्क में आ रहा हूँ आज। 50 रुपये एंट्री है एक बंदे की। टाइमिंग आपके ऊपर है भाई, शाम के 6 बजे, और सोमवार और मंगलवार को ये बंद रहता है हमेशा। 10 से 6 इसकी ओपनिंग है, 6 से ऊपर एक भी मिनट हो गया तो ये टिकट नहीं मिलेगी आपको। और दूसरी बात देखो भाई, यहाँ पे कूलर की व्यवस्था भी, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ यार, प्यास भी लग रही है। ये लो भाई देखो, हमने पी लिया यहाँ पे पानी, अब निकलते आगे। तो भाई सच बताऊँ तो मुझे भी इस पार्क में आके बड़ा सुकून सा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ शांति है भाई, ठीक है। ये देखो, ये कुछ बना रखा है, हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, पर अभी ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं भाई देखने के लायक और दिखाने के लायक। और ये देखो, ये एक छोटी सी झील, अब इसको तुम नाला कहो चाहे झील कहो, वैसे तो झील ही है ये, पक्षियों के लिए बनाई गई है, बढ़िया वाली, बेस्ट। और यहाँ का नज़ारा भाई, नज़ारा देखो आप यार, एक नंबर का। ये देखो भाई, ये अभी तो मुझे ओरिजिनल कुछ दिखा नहीं फिलहाल, वो 2-3 दिखे पर वो ओरिजिनल है, आपको दिखा देता हूँ भाई। मुझे कुछ दिख चुका है, देखो ये बना भी रखा है यहाँ पे। अब भाई ये तो तुम्हें पढ़ने क्या है, पर देखो भाई और अंदर देखो, मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ पे बैठे है 1-2, यहाँ अंदर है, बाकी यहाँ पे बैठे है, छिप रखे भाई, ये सामने नहीं आते। तो मैं चलता हूँ फिर से आगे की ओर, ठीक है भाई। ये भाई पहली शुरुआत होगी यहाँ पे, क्या लिखा था ये मुझे तो इतना समझ में आता नहीं है, पर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो, और पढ़ के भाई बता देना मुझे भी कि क्या लिखा है भाई, मुझे नहीं आता इतना पढ़ना पुढ़ना, साफ सीधी बात यार। मैं बस आ गया हूँ यहाँ पे अपनी मस्ती लेने के लिए, क्योंकि मैं भाई 2-3 बार आया, 2-3 बार वापसी मुड़ के गया हूँ, हमेशा जब भी आया हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ कि आज मुझे ये खुला मिला है, 50 रुपये की टिकट कटवाई, अंदर आया एंट्री की, एंट्री करते पहले तो चिल्ड वाटर पिया मैंने, और वाटर पीने के बाद भाई मैं निकलाया अंदर को। तो अंदर को मैं आके मैंने आपको पहले दिखाया कुछ नज़ारे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बैक के नज़ारे दोबारा से।
ये देखो भाई, ये बैक का नज़ारा यहाँ का। ये देखो, ये दो दिल बतख है जिन्होंने दिल टाइप का बना रखा है, ठीक है। और मुझे रुकना तो है नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, तो मैं सोच रहा बस थोड़ा ऐसे निकल लूँ टाइम से पहले, जल्दी से जल्दी। इसमें सब कुछ बना रखा है भाई नेचुरल पूरा। यार दिल सा खुश हो गया, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे लाइफ में, और देख के ऐसा लग रहा है ना सुकून सा कि भाई जिंदगी वाह, स्वर्ग में आ गया मैं। ये देखो भाई, यहाँ पे आप रेस्ट के लिए आराम से रेस्ट करो अगर थक गए हो, पर ऐसी जगह कौन थकता है यार, जब आता है कोई तो ऐसी जगह कौन थकता है। अभी मैं ऊपर जाने की सोचूंगा, ऊपर आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो कितना प्यारा बना रखा है, देखो यार है ना भाई, कितना प्यारा बना रखा है। ये देखो यार इसको, अब चलते हैं हम आगे की ओर, आगे की ओर जाके देखेंगे। तो यहाँ पे भी रास्ता है बढ़िया सा, अभी मुझे भी नहीं पता ये रास्ता, पर मैं जाऊँगा इसके अंदर ज़रूर भाई। ये गेट है इसका बना रखा, देखो नेचुरल प्राकृतिक की देन से बना हुआ गेट। हालांकि मुझे पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है, पर मैं एक बार यहाँ जाना ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि मैं आपको बाहर से वहाँ से दिखा रहा था उस टाइम। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे अंदर, तो मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ एक बार भाई। आओ यार, मतलब कुछ अलग ही फील आ रहा है भाई यहाँ पे तो ना, और सच बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ बस। कितनी बार बोलूँ, जितनी बार बोलूँ उतनी बार मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि आज यकीन नहीं हो रहा। जब आता हूँ तब तो मैं वापसी मुड़ा हूँ यहाँ से हमेशा, क्योंकि उस दिन एक छुट्टी रहती है, बंद रहता है सोमवार और मंगलवार को ही बंद रहता है, और मैं उसी दिन अक्सर आया करता था। आज भाई कसम से यकीन सा नहीं हो रहा ना, इतनी खुशी हो रही ना अंदर से इसको देख के, इसके अंदर घूम के, कि भाई दो बार तीन बार मैं इससे वापसी जा रखा हूँ, पूरे तीन बार। और अब फाइनली आज वो दिन आ गया था कि मैं इसके अंदर आके एंट्री की है, ठीक है। और मैं ये गोल गोल देखो, ये काफ़ी दूर तक है बना रखा गोला सा, पता नहीं क्या है इसके अंदर, कुछ लिखा रखा है वैसे, इन्होंने कुछ पेड़ लगा रखे हैं और पेड़ों के बारे में बता भी रखा है। ऐसे ऐसे कुछ सारे पेड़, मतलब हर जगह पे अलग अलग पेड़ है, कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है क्या है ये मुझे भी नहीं पता, पर ऐसे इन्होंने लिख रखा है। देखो ये देखो यार भाई, और तुम्हें कुछ एक नई चीज़ दिखाता हूँ, जल्दी देखो जल्दी देखो। दिखा, ये रहा मोर नाचता हुआ, हालांकि साफ नहीं दिख रहा है झाड़ियों में है, पर ये मोर नाचता हुआ है। देखो भाई ये देखो, पूरा मोर इस टाइम नाच रहा है। लो भाई बैठ गया भाई, अब नहीं नाची गई। चलो किस्मत थी, नाश्ता हुआ मोर मिला, फिर से हम चल दिए एक बार आगे को। अब देखो यार यहाँ का जो नज़ारा है, जो सुंदरता है ना, वो कुछ अलग ही है कसम से। है अच्छी जगह पार्क, पर अभी इसमें कुछ ज़्यादा दिखा नहीं मेरे को, बस एक ही दिखा था, वो भी पता नहीं कौन सी पक्षी थी क्या थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं दिखा था। ऐसे गोल गोल घुमा रहे, ठीक है जी। ये देखो ये पूरे मतलब नज़ारे बता रहे हो यहाँ के यार। देखो जी पेड़, हरियाली, सुंदरता, चंडीगढ़, इसको ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना चाहते हैं ऐसे। और मैं वापसी घूम के फिर उसी रास्ते में आ गया हूँ जिस रास्ते से मैंने शुरुआत की थी ऊपर चढ़ने की। अब भाई जाना तो पड़ेगा ही वापसी, क्या करूँ। देखो यहाँ मतलब सारे दे रखे उन्होंने पेड़ों के नाम, कौन सा पेड़ किस चीज़ के लिए है, किसको क्या कहा जाता है, सारा कुछ ऐसा इसमें, ठीक है भाई। और ये देखो इसमें मैं आपको दिखाऊं तो इसमें बना रखा है आंवला, रुद्राक्ष और एक फल और, ये मुझे पता नहीं कौन सा फल है। देखो ये तो आंवला हो गया, ये रुद्राक्ष होगी ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में आंवला, और ये ऊपर जो हाथ में पकड़ रखा है ये पता नहीं कौन सा है,
जिसका मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक। जिस रास्ते से अंदर गया था भाई उसी से बाहर आ गया हूँ। अंदर कुछ नहीं था, बस पेड़ों के बारे में बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये अम्ब्रेला है जिसे कि आप यूज कर सकते हो, फ़ोटो खिंचवा सकते हो, शायद में फ्री है यहाँ पे, पर इसको घर नहीं ले जा सकते हो। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी इसके चक्कर में। और ये देखो भाई अभी पता नहीं हकीकत का कैसे बना रखा है, क्या बना रखा है। और इधर एग्जिट दे रखा है यहाँ पे, तो हमें इधर नहीं जाने का, हमें इधर को जाने का जहाँ को है रास्ता। अब दिखा रखा है यहाँ पे एग्जिट, वर्ल्ड पार्क, वर्ल्ड है ब्रिड है, ब्रिड पार्क, सॉरी यार मैं तो कल सॉरी पड़ गया था भाई, गलती होगी सॉरी। लो भाइयों यार क्या करूँ यार, ऐसे समझो भाई, बस ऐसे समझो भाई, हो जाती है गलती, बस माफ़ कर दो भाई, गलती होगी समझो, ठीक है। बस कुछ नहीं यार, आज थोड़ा घूमने का मन था, चलो मैंने कहा घूम लेता हूँ। और यहाँ आपको दिखाऊंगा ये पेड़ बना रखे, जानवर बना रखे, शायद में जानवर भी हमें यहाँ देखने को मिले। फिलहाल तो यहाँ की सुंदरता दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई यहाँ की सुंदरता है, ये हर चीज़ अलग अलग, हर चीज़ अलग अलग, एक छोटी छोटी सी जगह से घूम घूम के आपको हर जगह कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। देखो ये पेड़ पौधे, पता नहीं जानवर कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे भी एक गेट, वही सेम, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको बस यही मिलेगा कि कौन सी पौधा हमने किस चीज़ के लिए लगा रखा है, सेम वही, ज़्यादा दूर तक नहीं है ये। बस इसको मैं बाहर से दिखा दूंगा क्योंकि भाई मैं भी थक चुका हूँ और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, पर अब शुरू होता है मेरा असली चंडीगढ़ ब्रिड पार्क। तो भाइयों वेट है उस चीज़ का मुझे, कि मैं पहुंच चुका हूं चंडीगढ़ ब्रिड पार्क के पास, ठीक है जी। ला भाई मैंने एंट्री कर ली, अभी एंट्री तो नहीं की, अभी बाहर ही खड़ा हूं फिलहाल चंडीगढ़ ब्रिड के पार्क। और ये देखो ये छतरी अम्ब्रेला यहां पे, इसको हम ले सकते हैं, मतलब अगर आपको धूप लग रही है तो आप इसे लेके भी चल सकते हैं यहाँ से। और ये रहा चंडीगढ़ ब्रिड पार्क, ठीक है जी। भाई गाइस देख लो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ से हमने एंट्री करनी है अंदर। और ये देखो चंडीगढ़ ब्रिड पार्क लिखा हुआ है, ठीक है जी। और ये कर दी हमने एंट्री, ये एंट्री का है मेन गेट। और यहाँ से आपको मिलेंगे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को, मैं भी भाई फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और इतनी खुशी हो रही ना जाती अंदर को कि पता नहीं यार अंदर क्या रखा होगा, क्या रखा होगा भाई। देखो जहाँ जहाँ नज़र फिरोगे यहाँ बस आपको अलग ही मिलेगा। और यहाँ पे कुछ बोर्ड में दिखा भी रखा है, ठीक है भाई, जो कि अलग अलग सिस्टम से दिखा रखा है। और फिलहाल तो ये देखो अभी ये कौवे है, कौवे तो हमें बाहर भी दिख जाते हैं ना, पर अब हम जाएंगे अंदर को और अंदर देखेंगे। अंदर जाते भाई देखो पहले हमें दिखी कौन सी, लव ब्रिड, ठीक है भाई, लव ब्रिड दिखी हमें, तो ये सारी ऊपर ही बैठी है, वैसे नीचे कोई नहीं आ रखी। ये देखो भाई ये पूरी इसके अंदर बंद है, और एक नहीं बहुत सारी है, देखो अच्छे से इनका घोंसला बन रखा है, यहाँ घर बन रखा रहने खाने के लिए। बहुत सारी है वैसे, पर हमें दिख कम रही है क्योंकि ऊपर है ज़्यादा। अब हम चलते दूसरी साइड को, ठीक है जी, ये वाली तो हमने देख ली सामने, अब चलते हैं आगे को। आगे जाते हमें मिल जाते हैं शायद में पैरेट, जिसे हम क्या कहते हैं, तोता, हाँ तोते, तो तोते हमें दिख जाते हैं, तो हम तोते को भी देखने के लिए चलते हैं आगे को। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये क्या है क्या नहीं है,
छोटे वाले बड़े वाले सारे, और यहाँ पर एक कम है, फिलहाल दिख नहीं रहा, इसमें कम है यार भाई, एक दो दिख रहे बस, उनका क्या करना हमने, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ना भाई। देखो दिख भी नहीं रहे, एक दो भी मुश्किल से दिख रहे, क्योंकि शीशा ही ऐसा लगा हुआ है सामने, शीशे की वजह से, एक तो शीशे की वजह से नहीं दिख रहे और दूसरे वैसे भी कम है इसके अंदर। तो भाई एक दिखा मुझे, ये देखो थोड़ा बहुत, बस भाई ठीक है भाई, ये भी आपको दिखा दिए, आप चलते आगे। तो भाइयों आप चलते हैं दोबारा से आगे, तोतों को देख के जिन्हें की पैरेट कहा जाता है, अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है। हालत ख़राब हो गई है, एक तो हेलमेट, ठीक है यहाँ हेलमेट रखने की भी सुविधा नहीं है, हेलमेट भी साथ में लेके जाओ जी जहाँ जाना है तुमने, और दूसरी बात थक गया हूँ यार, अभी रॉक गार्डन गया था पहले, अब रॉक गार्डन से वापसी आ रहा था, तो रास्ते में मुझे ये दिखा क्या, गया तो मैं 3 बार भाई, पर तीनों बार मुझे कभी भी अंदर जाने का मौका नहीं मिला, क्यों हमेशा बंद ही रहता था ये, और अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अंदर गया, ठीक है मुझे अंदर जाने का मौका मिला, मैंने टिकट ली, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब दिखाता हूँ आपको इसके बैक नज़ारे, ये देखो भाई, ये यहाँ से हमने कर दी एंट्री शुरू दोबारा, ठीक है गाइस। अभी मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, पर यहाँ पूरी चेने लगी पड़ी है और चेनों में हमने एंट्री करनी है अंदर, 100% करनी पड़ेगी। और ये मैंने चेन साइड की और मैं जल्दी से अंदर घुस गया भाई। भाई ये देखो इधर कांच का भी पुल बना रखा है, अब मैं इधर से जाऊं, मैंने कर ली इधर दोबारा एक बार एंट्री, यहाँ 3-4 क्यों, ओ भाई ये तो पानी पानी भर रखा है इधर। और भाई ये देखो आते यहाँ कुछ नज़ारे दिखे मेरे को, ठीक है मुझे नज़ारा दिखा, अब मैं चलता हूँ आगे दोबारा एक बार, यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये बना रखे इन्होंने, जो जो यहाँ पे है वो ही वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इनके लिए बाहर नहीं आते, समझदार है ये, बाहर नहीं आते, छोटी छोटी छतरी लगा रखी इनके लिए, ठीक है बैठे रहते हैं अंदर। और अभी फ़िलहाल मुझे इतना ही मिला यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ अंदर भाई, जितना अंदर जा रहा हूँ उतनी खुशी का माहौल बढ़ता जा रहा है मेरे लिए। तो देखो क्या कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना, अब चलते हैं अंदर को फिर से। और ये रहा भाई रास्ता अंदर का, अंदर ओ भाई यहाँ भी वाटरफॉल मिला मुझे एक देखने को, अभी मैं उसके पास जाऊंगा, अभी मैंने दूर से देखा उसको, और दूर से देखने के बाद मुझे मिला। तो भाई गाइस एक और वाटरफॉल यहाँ पे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ भाई, ये देखो दिखा आपको क्या है, इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी पड़े थे यहाँ पे अभी, और वो है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। काफ़ी अच्छा है यार यहाँ का माहौल इनके साथ, ये मछलियाँ पकड़ते होंगे ना, और अभी यहाँ पे मछली नहीं है इनके लिए। एक छोटा सा वाटरफॉल है, ठीक है अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं एक बढ़िया सा वाटरफॉल दोबारा। सो भाई देखो यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, ठीक है मेरे पीछे आप देखोगे
तो आपको दिखेगा, ये देखो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। मैंने गाना तो सुना था पर आज गाने के साथ साथ मैंने देख भी लिए कि दो हंसों का जोड़ा कैसा होता है, ठीक है। और मैं चल रहा हूँ आगे को अब। ओहो, छोटा सा बच्चा मिला यहाँ पे, देखने को मिला यार। ये देखो पहले पुल की बनावट देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा, ठीक है। अब मुझे ये दो छोटे छोटे बच्चे मिले चुन्नू मुन्नू से, अब इनको पता नहीं क्या हो गया। आपको जूम करके दिखा दूँ, असली है भाई, नकली नहीं है, असली है। ये बस सो रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है ना, 10:30 ही हुए अभी तक, इसलिए सो रहे हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं भाई। यहाँ भी भाई बात वही है, मज़े आ रहे हैं यहाँ भी घूमने में। अभी दूसरा वाटरफॉल दिखाऊंगा आपको, बड़ा वाला, ठीक है, बेस्ट वाला। और यहाँ मुझे हंस के जोड़े भी मिल गए बहुत सारे। भाई फाइनली देखो पहुंच चुका हूँ मैं उस वाटरफॉल में जहाँ के हंस का जोड़ा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरे बैक साइड, मेरे फ्रंट साइड सब कुछ, और आपको दिखाता हूँ। पहले तो देखो भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पीछे जो भी है ना, ये देखो यार, ठीक है, ये पूरी भीड़ मतलब पीछे खड़ी है, मतलब वाटरफॉल के चक्कर में सारे वाटरफॉल देखना चाहते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हंस, इनको हंसी कहते हैं, बाकी भाई मुझे भी नहीं पता इनको क्या कहते हैं, ठीक है। ये फिलहाल 3 है, बाकी आपको और दिखाता हूँ अभी। ये देखो कुछ इस साइड खड़े, ठीक है। अब किस्मत इतनी ख़राब कि भाई मैं क्या बताऊँ तुम्हें। ये देखो भाई ये सो रखे अपना मस्ती से यहाँ पे आराम कर रहे हैं। अब तो मैं दिखाता हूँ वाटरफॉल अच्छी। ये देखो भाई ये यहाँ का वाटरफॉल, ठीक है, जिसे देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही करती है। अब हम चलते हैं आगे को। भाई चलो भाई थोड़ा कैमरा ना बंद सा कर लेते हैं, यहाँ पे देखने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बाहर ही आ रखी है, डर नहीं रहे, बाहर नहीं निकलते भाई। और भी है जो 50 रुपये की टिकट है ना भाई, पूरी होगी समझो इनको देख देख के तो यहाँ खुशी से। मैं आपको एक बार फिर से पीछे में वाटरफॉल दिखा देता हूँ, देखो ये पीछे का ना जो है ये वाटरफॉल है पूरा भाई, यहाँ से नज़ारा दिख रहा है आपको। हाँ जी कैसे कहते, एक ही नहीं है बहुत सारे हैं। बाहर चलता हूँ दूसरी जगह, ठीक है, और वहां जाके देखता हूँ। ये तो अभी देख चलते दूसरी जगह। लो भाई ये चाइना में तुम्हें देखने को मिलता था पर यहाँ भी अब देखने को मिल गया, शीशे वाला कांच वाला पुल, ठीक है। ये देखो और इसमें आ रहे बुलबुले जो कि पानी को फ्रेश रखता है। और वही फिर से एक बार जंजीर, बाहर जाने के लिए भी जंजीर, आने के लिए भी जंजीर, जंजीरे जंजीरे। अब यहाँ से निकल के तुरंत दूसरी जंजीर को पार करके, और दूसरी जंजीर को पार करके फिर तीसरी जंजीर को पार करना है हमें। ये देखो ये पार कर ली जंजीरें और हम आ गए बाहर, बहुत भारी था भाई। अब चलते हैं दूसरी जगह, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे दो लोग मिले जो कि मतलब शायद मुझे पहले से जानते होंगे, तो उन्होंने मुझे एकदम से कहा कि भाई आप
यार यूके का यूट्यूबर हो। मैंने कहा हाँ यार भाई, सुन के तो बहुत अच्छा लगा। कहा यार आप मेहनत तो करते नहीं। मैंने कहा भाई क्या करूँ, एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम इसको कर लेता हूँ, क्या करूँ यार इससे ज़्यादा। देखो भाई यहाँ का पूरा नज़ारा है, माहौल ही बन रखा है यहाँ का, ठीक है, होना चाहिए यार ऐसे। देखो एक अम्ब्रेला लेके आप यहाँ घूम सकते हो, मतलब बेफिक्र होके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप फोटो वगैरह करवा सकते हो अपना, मस्त मतलब एक नंबर का। चलो अब फिर से दोबारा भाई एक बार जंजीरे खोलने को तैयार, जो जंजीरे है ना, एक बार हम दोबारा से जंजीरों के अंदर जाने के लिए तैयार। अब हमें नहीं पता इस जंजीर के अंदर क्या मिलेगा, हमें फ़िलहाल तो इसमें कुछ बना रखा है ऐसा, ठीक है जी। पर अंदर चलते हैं यार, अंदर देखते हैं। पहली जंजीर खोलने के लिए हम तैयार भाई यहाँ पे, और ये ले भाई हमने जंजीर खोल दी। साइड हो जा, ये देखो ये ले भाई पहली जंजीर, और एक दूसरी जंजीर, दूसरी के बाद फिर तीसरी जंजीर। ये तीसरी जंजीर के बाद भाई कुछ नज़ारा दिखा हमें, बहुत भारी जंजीर है भाई। और यहाँ दिखा हमें, देखो भाई आते कुछ ये दो बैठे यहाँ पे प्यारे प्यारे से, और कहाँ गए बाकी, तो कुछ नहीं दिख रहे भाई। ये पता नहीं कहाँ चीख रहे, कहाँ चिल्ला रहे, पर इसके अंदर मुझे सिर्फ दो ही दिखे, अब दिखेंगे असली, क्योंकि एक जंजीर और है आगे। तो भाई ये देखो फिर से एक बार जंजीर खोलने के लिए हम तैयार, और ये जंजीर मम्मी ये भी जंजीर खोल दी गई है। लो जी हम आ गए यहाँ पे, जो कि यहाँ लिखा है माहौल बढ़िया सा बना रखा है। ये देखो भाई छोटे छोटे लोगों के घर बनाए गए हैं, ठीक है, छोटे 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 घर लिखा भी हुआ है। चलते आगे एक बार, ये देखो यहाँ पे मुझे एक शैतान बैठा हुआ मिला, ये कुछ कहना चाहता है वैसे आपसे। तो ये देखो छोटा सा शैतान है बस, ये बस एक ही मिला है यहाँ पे अभी तो फिलहाल देखने के लिए। अब चलते हैं हम आगे को भाई, यहाँ के गेट नेचुरल यार क्या चीज़ है भाई, ये सेम वही हो गया जू, पर इसमें हाथी शेर कुछ नहीं है, बस ये छोटे छोटे से यही बना रखे। और इनके लिए यहाँ पे देखो पानी पीने के लिए कितना प्यारा बना रखा है सिस्टम, ठीक है, वहाँ से पानी आता है यहाँ पे इकट्ठा होता है, और यहाँ से ये लोग अपना प्यास बुझाते हैं। हालांकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा, दिख रहे हैं पर छोटे छोटे भाई, इतने दूर नहीं दिखा पा रहा मैं आपको, सॉरी यार उसके लिए। अगली बार कोशिश करूँगा कि बड़ा ही लेके आऊँ कैमरा, DSLR, ठीक है। और ये देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे से, ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको फिलहाल, तो देखो यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे, देखो बस इतने दिखेंगे ये भी। अब मैं चलता हूँ आगे को दोस्तों, तो आपको दिखाता हूँ आगे जाके, ठीक है। और आगे से क्या, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको पहले मेन चीज, जो कि वहाँ से तो दिख नहीं रही, पर यहाँ से देखो भाई ये देखो, ये इसमें दिखी है थोड़ी बहुत, दो ये दिखे, दो तीन मैंने आपको पहले पीछे बताए थे। ओहो हो हो हो, इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आई है, कौन सा जानवर है वो, देखो ये पानी, अरे पानी के साथ इनका बना रखा मस्त वाला घूमने के लिए, यहाँ से पानी निकलता है यहीं बैठते दोबारा, और ये बहुत हिल रहा है। तो भाई अब हम चलते आगे को, ये लो भाई ये ले लिया हमने नज़ारा,
कहाँ बैठे? ओहो हो, देखो आखिरकार भाई मिल ही गए। देखो ये देखो यार, ये फिलहाल तो दो ही दिखे यहाँ पे और एक ही बैठा ऊपर। भाई बड़ी खुशी हुई इनको देख के। देखो कैसे बैठे दोनों के दोनों, और आवाज़ देखो कितनी तेज कर रहा है, ऐसे लग रहा कितने गुस्से में होएगा। देखा ही आपने। अब चलते हम आगे का फिर से। देखो आवाज़ देखो कैसे कर रहा है, डरा रहा है ये भाई, हम लोगों को डरा रहा है। थोड़ा सा आपको मैं भी अपने आप को भी देख लूं। ये देखो भाई यहाँ पे दिखा भी रखा है कि जो चीज़ मैंने भी आपको बताई वीडियो में ना, वो यही था। ठीक है बस आगे को चलते। ये भी ख़त्म हुआ भाई, इसकी भी चेन खोलने का टाइम आ चुका है। अब इसकी भी चेन खोलते हैं फिर आगे को देखते हैं। ये देखो भाई ख़त्म। अब मैं अपने पास टाइम देखूंगा, नहीं तो फिर मुझे एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जाना है ड्यूटी। तो लो भाई ये खोल दी मैंने चेन। ठीक है और ये करके मैंने इधर भाई इधर से इधर से इसकी कितने रुपए भाई? ये देखो इसकी जो है ना टिकट फीस, इसकी अलग से 100 रुपये है। इसके अंदर जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये बैठे हुए देखो बहुत सारे बैठे, जैसे वे तुम्हारे कमरे में बैठेंगे जैसे इन्होंने बैठा रखा है। देखो एक इन्होंने भी अपने कमरे में बैठा रखा है। देखो यहाँ पे देखो लाल पीले काले नीले सारे अलग अलग कलर के ये, पर इनकी अलग से है 100 रुपये की टिकट। 50 रुपये तो मेन गेम है जो ये सब देखने के, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ करना है तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है अब 100 रुपये पे तो कर नहीं सकता भाई मैं, चलो क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी घर जाना ही है। तो मैंने इस बाहर का रास्ता देखना सही समझा, अब मैं चल रहा बाहर को। फिर से आगे चेने और इसमें लिखा है आउट। ओके भाई हम जा रहे हैं, धक्के मत मारो हमारे को। ले भाई चल आउट, ले भाई एक और आउट। अब तीसरा आउट भी रह गया। ठीक है ये भी तीसरा आउट भी हम पार कर चुके हैं और हम फाइनली आ गए वहीं पे जहां से हमने शुरू किया था। अब इधर का एक रास्ता दिख रहा है हमें, तो हम इस रास्ते से जाएंगे दोबारा। अरे यार भाई क्या बताऊं यार, है वहाँ 100 रुपये की एक टिकट और अंदर एक्स्ट्रा पे करने का, आपने सर पे बैठा हो उसको। अब हम अपने सर पे बैठाएंगे तो फ़ोटो खिंचवाएंगे तो 100 रुपये देंगे। 50 रुपये अलग से थी, 100 रुपये अलग से। और ये देखो भाई एक प्यारा सा रास्ता बना रखा है यहाँ पे किसी ने, बहुत ही अच्छा रास्ता बना रखा है यार ये भाई। अब तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई है, सुबह से बहुत घूम गया हूँ। पहले रॉक गार्डन गया था फिर वहाँ से आ रहा था, तो मैंने कहा यार इस पार्क में 2 बार 3 बार आके वापसी मुड़ा हूँ, तो इस बार देख लेता हूँ जाके क्या पता हो जाए काम। और जैसे भाई आया तो देखा टिकट कट रही थी, मैंने तो भाई आते सीधा काट ली टिकट भी ना बोले, ना कुछ सुना ना कुछ पूछा, बस टिकट काट के और अपना आ गया अंदर को। अब अंदर के आने के बाद तो थक सी भी लग गई। यहाँ एक बहुत अच्छा पार्क भी है देखो बैठने के लिए, इस पार्क में आप बैठ सकते हो बिल्कुल तसल्ली से आराम से रिलैक्स होके। और ये है सब कुछ पर ये बंद है भी। थैंक यू फॉर विजिट, मतलब अब ख़त्म हो गया। अगर ये ख़त्म हो गया तो चलो भाई घर को, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया यार भाई आज जाने का। देखो अभी तुम्हें मोर भी दिखा दूँ, चलो जाते जाते एक मोर तो मैंने तुम्हें नाचता हुआ दिखाया था, एक तो मैं हंसता हुआ दिखा दूँ। नहीं रास्ता भी आगे को और है तो मैं आगे नहीं जाना चाहता, मैं आपको मोर दिखाना चाहता हूँ फिलहाल। ये देखो चलो
अभी तक तो वॉशरूम वॉशरूम बना रखे हैं, तो वॉशरूम में क्या जाना हमने, पर फिर मैं देख के आ जाता हूँ और आपको भी बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उधर है कुछ ऐसे घूमने का, क्यों ना एक बार हम वहाँ भी घूम के आ जाएं। ठीक है दोस्तों, आगे का मुझे भी नहीं पता, कोई जा नहीं रहा तो इसलिए मैं भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर कोई जाए तो अच्छा भी लगे। अब कोई जा ही नहीं रहा, इधर वॉशरूम बना रखा है तो फिर तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वॉशरूम के लिए बना रखा है, ये आपका वॉशरूम हो जाएगा इधर। अब हाँ आगे जाना ही पड़ेगा, मजबूरन देख लेंगे यार आगे जाके अब क्या होता है। कुछ कहेगा तो भाई बोल देंगे कि गलती होगी, सॉरी गलती से आ गया था। और इधर मुझे एक सूखी सी नदी दिख रही है जो कि इस टाइम सूखा पड़ा है पूरा। ठीक है जी, जहाँ जहाँ घूमना था मैं घूम के आ गया। अब जहाँ घूमने जाना है, कहाँ घूमने जाना, बस वापसी जाना है। तो दोस्तों ये है हमारा चंडीगढ़ बिग पार्क, वैसे तो यहाँ पे भी खुला है पर इसके अंदर कुछ है नहीं अभी फिलहाल। हम आ गए चंडीगढ़ बिग पार्क से बाहर, और मैं तुम्हें अब ये दिखा देता हूँ एक बार सामने का बना हुआ पुल। ये देखो भाई, ये इतना प्यारा पुल बना रखा है ना, और देखो ये छोटा सा नदी सा झरना सा पानी सा नाला सा जो भी समझो, ये मतलब बंद हो चुका है। यहाँ देख लो आप, अब इसमें कुछ नहीं रह गया, मतलब ये सूख गया, गर्मी करके सूख गया ये। अब हम चलते थोड़ा सा आगे और वहाँ लाश देख के और फिर निकलते हम घर को, बहुत ज़्यादा हो गया टाइम, क्योंकि यार जाना होता है ड्यूटी। अब उसके बाद बात करेंगे आगे जाके भाई, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये छोटा सा व्यू यहाँ का भी। यहाँ पे आप रेस्ट करो, सिंगिंग करो वगैरह वगैरह, जो मन करे आपका वो करो भाई। ठीक है, फाइनली गाइस हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर बताना, ना भी लगी हो तो फिर भी बता देना भाई। ठीक है, ये देखो ये बना रखा है एक बढ़िया सा अपना बैठने के लिए इधर साइड में, मैं आपको इसको बाद में दिखा दूँगा। आगे साफ साफ बोर्ड में लिखा हुआ है कि नो एंट्री, मतलब आप यहाँ नहीं जा सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते हो, नो एंट्री है, जंगल है घना सा, इसमें जाना आपको अलाउड नहीं है। तो अब चलता हूँ मैं वापसी, जब यहाँ पे नो एंट्री आ गया। ठीक है जी, तो इससे आगे ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर कभी कुछ होता है तो आप स्वयं जिम्मेवार रहोगे इस चीज़ के, नो एंट्री। ये देखो भाई गर्मी इतनी पड़ रही है ना, सब कुछ सूख गया, यहाँ सारा बंजर पड़ गया, सारा A to Z। ये देखो, और ये एक छोटा सा बैठने के लिए रेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। यार चलना चाहिए मुझे घर। दोस्तों ये हुआ हमारा पार्क ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, टाइम भी बहुत हो गया है तो घर की तरफ। यहाँ पे आपको एक छोटी सी कैंटीन भी मिलती है, अगर आप इसमें कुछ खाना चाहते हो तो खा सकते हो, नहीं तो आप घर जा सकते हो। ठीक है, ये मेरा लास्ट पॉइंट मजाक का था, तो इसको आप दिल में ना लेना और बताना एक बार ज़रूर कि कैसे आपको लगा हमारा आज का वीडियो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी ऐसे यहाँ पे आके। ये देखो इनको भी गर्मी लगती है भाई, इनको भी नहाना है यहाँ पे। अब हमें जाना चाहिए घर की तरफ, ये आ गया एग्जिट का रास्ता, बाहर निकलते ही एग्जिट। और किस्मत इतनी ख़राब कि यहाँ इस पेड़ में एक भी आम नहीं लगा, वरना आम ही तोड़ लेता, घर पे जाके आम की चटनी बना लेता। तो हमने एग्जिट का रास्ता देख लिया, इसमें साफ साफ लिखा है सेफ वाटर सेफ लाइफ ड्रिंकिंग वाटर, आप यहाँ पे भी ठंडा ठंडा पानी पी सकते हो। ठीक है जी, नहीं तो कोई बात नहीं। और इधर से हम जा रहे हैं अब घर की तरफ, देखो भाई क्या प्यारा प्यारा नज़ारा बना रखा है यहाँ पे यार। ठीक है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है भाई, यहाँ पे आ सकते हो आप घूमने के लिए। ये देखो भाई अब आ गया हमारा घर जाने का टाइम, इधर भी देखोगे ना आप तो ये बना रखे इन्होंने बतख। ठीक है,
यहाँ पे भी पूरे देखोगे। हाय राम, थक गया हूँ यार आज तो पूरा भाई। आज का दिन यहीं पे ख़त्म, कल का दिन नवा शुरू करेंगे, ठीक है जी। और ये देखो भाई, ये बतख 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 बतख, कबूतर कबूतर कबूतर। अब आ गया हमारा घर जाने का टाइम, वापसी। तो आज का जो ब्रिज पार्क था वो यही तक था, और हम आ चुके हैं उसी रास्ते में जहाँ से हमने किया था शुरुआत। ये साफ साफ लिखा है, ये भी शुरुआत का रास्ता, ठीक है। यहाँ से शुरुआत की थी और यहीं पे ख़त्म कर दिया हमने, ये हमारा एग्जिट रास्ता। ओके दोस्तों, थैंक यू। और यहाँ बहुत सारे लोग, पूछो मत। चलो अब चलते हैं वापसी, बाय बाय। हेलो भाइयों, देखो तो मैं आज घूमने आया था और एक भाई भाई मुझे मिला। कहाँ से भाई आप? उत्तराखंड से भाई। भाई मैं भी उत्तराखंड से, ये भी उत्तराखंड से, ये मुझे मिले यहाँ पे और इनसे मुझे काफी अच्छा मिला। कहाँ से भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भाई, अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से भाई, मैं पौड़ी से हूँ। अच्छा, पौड़ी को भाई। हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, थैंक यू भाई। आज से मिलकर भाई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलो भाई, पौड़ी भाई मिल गया। चलो भैया। ओके भाई, चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। वाह भाई, चलो भाई आज का हुआ टाइम ख़त्म हमारा। ये हम आ गए पार्किंग, जिस जगह से हमने शुरू किया था उसी जगह पे वापसी। पार्किंग में आते ही हमें सबसे पहले तो अपनी बाइक ढूंढनी है, जो कि मिल गई पर बहुत दूर है। अब देखता हूँ कैसे निकलती है ये। पहले पूरी पार्किंग इस टाइम देखो भर जाती है भाई यहाँ, ठीक है। यहाँ भी आना है आपने सुबह, आओ पर 10 बजे यहाँ एंट्री है। रॉक गार्डन गया था वहाँ 9 बजे की एंट्री, मैंने आपको बता दिया सब कुछ।